22 जनवरी 2024 इस दिन उद्घाटन हुआ श्री राम जी के मंदिर का, और 23 जनवरी 2024 को मैंने एक ऐसा कर्म किया खुद पर जिसको कराने से बहुत सारे लोग डरते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद के बड़े से बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कई बार इस कर्म को करने से अवॉइड करते हैं। बट ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसीजर है, अगर सही तरीके से किया जाए तो कफ और पित्त के 60 से ज़्यादा बीमारियाँ, मतलब आपको यहाँ सीने के ऊपर की चाहे कोई भी बीमारी हो, पेट खराब हो के चाहे आपको एसिडिटी हुई हो, चाहे दिमाग के रिलेटेड बीमारियाँ होती हो, सीने के ऊपर की कोई भी बीमारी हो, सोरायसिस हो, चर्म रोग हो, वो सारी की सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती है। तो वो प्रोसीजर है क्या, सही तरीका क्या है करने का, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो क्लीनिंग आपको भी क्यों करानी चाहिए, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्रवेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं बॉडी क्लीनिंग के बारे में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने सारे लोग 100 साल जीना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ भाई हमें 100 साल जीना है। बट ये नंबर सुनते एक डर भी लगता है कि यार जीना तो है बट हमें बीमारियाँ नहीं चाहिए, हमें रोग नहीं चाहिए। कौन बुढ़ापे में वो कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दुनिया भर की बीमारियाँ झेलेगा। हम सभी चाहते हैं लंबा जीना बट स्वस्थ जीना, और इसी के लिए लिखा गया है आयुर्वेद। आयुर्वेद शब्द का मतलब होता है आयु प्लस वेद। आयु मतलब आपकी लाइफ और वेद मतलब उस लाइफ को सही तरीके से जीने का जो नॉलेज है। अब बीमारियां अनंत है, दुनिया में बहुत सारे टाइप की बीमारियां हैं, उनकी अगर लिस्ट बनाएंगे तो शायद लिस्ट खत्म हो जाएंगी बट बीमारियां नहीं। तो उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद बोलता है दो तरीका हम आपको बताते हैं इससे आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं। एक तरीका तो वो बताते हैं कि बीमारियों को दबा दो, जिसे कहते हैं शमन, जिसमें कि आप औषधि मतलब दवाइयाँ खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। एक ये तरीका है, और दूसरा एक बहुत ही खास तरीका है, एक ऐसा तरीका जो कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास है, और वो है शोधन। शोधन शब्द का मतलब होता है बॉडी की क्लीनिंग करना, और वो भी सही तरीके से क्लीनिंग करना। इसमें आयुर्वेद में 5 तरीके बताए गए हैं जिसे पंचकर्म कहते हैं। उनके नाम है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नश्य। इन 5 तरीकों से आयुर्वेद के जितने भी महर्षि हुए उन्होंने लिखा है कि अगर आप इन तरीकों से, जैसे हम बताते हैं शरीर की अगर आप सफाई करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा कचरा या बहुत सारे टॉक्सिन्स हम अपने बॉडी में इकट्ठा करते रहते हैं, कभी बाहर का खाना खा के, कभी स्ट्रेस लेके, या आजकल जो फर्टिलाइज़र ये सब डाले जाते हैं, जो पोल्यूशन है, इन सब से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते हैं। और वो जैसे कि कोई एक कपड़ा है या फिर कोई एक दर्पण है, आईना है, उस पर कैसे कहीं धूल लग जाए तो फेस साफ नहीं दिखेगा, या कोई कपड़े पे धूल मिट्टी लग जाए तो वो ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठा होते होते हमारे शरीर को ख़राब कर देते हैं और बहुत सारी इनक्योरेबल बीमारियां भी पैदा करने लग जाते हैं। फिर उसमें चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट के डिसऑर्डर्स हो, डायबिटीज़ हो, ऐसी बहुत सारी लंबी बीमारियों की लिस्ट हमें देखने मिलती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि बीमारी है तो बॉडी की क्लीनिंग करो, और बीमारी नहीं है, आपको स्वस्थ रहना है, तो सीजन वाइज हर मौसम चेंज होने पर बॉडी की क्लीनिंग करो। तो अब आते हैं कि मैंने क्या किया। तो मैंने जो क्लीनिंग की उसका नाम है वमन कर्म, जो कि वसंत ऋतु में किया जाता है। अभी वसंत ऋतु क्या होती है, तो देखिए हमारे देश में 6 मौसम होते हैं, उसमें से ये जो ठंडी का मौसम होता है जब वो कम होने लग जाता है और धीरे धीरे हीट बढ़ने लगती है, उस मौसम को आयुर्वेद में वसंत ऋतु बोलते हैं। और इस मौसम में ऐसा बोला गया है कि आपके शरीर में जो कफ रहता है वो ठंडियों में इकट्ठा हुआ रहता है और हीट पढ़ पढ़ के वो पिघलने लगता है। इसलिए आप देखो जैसे ही ठंडी कम हो के हीट बढ़नी चालू होती है, आप में से बहुत सारे लोगों को स्किन की तकलीफ होना, बलगम होना, साइनस होना, श्वास की तकलीफ होना, आलस बहुत ज़्यादा आने लगना, बार बार बुखार आना, इन्फेक्शन होना, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो उसी के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि ये बीमारियाँ आपको अगर है तो, और आप चाहते हैं कि ये बीमारियाँ आपको ना हो, उन दोनों के लिए वमन कर्म करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सही तरीका क्या है वमन कर्म करने का, या मैंने ये कर्म क्यों किया। अब वमन कर्म जो है इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1 उसको हम बोलते हैं पूर्व कर्म। पूर्व कर्म शब्द का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को अपनी बॉडी को क्लीन करना है, ऊपर की तरफ से उल्टी करके जो बॉडी को क्लीन करना है 60 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो उसमें स्टेज 1 में कुछ स्टेप है। स्टेप 1 रोगी परीक्षा। इसमें क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति की बॉडी के लिए वमन कर्म बहुत अच्छा है और किन लोगों के लिए वमन कर्म फायदेमंद है नहीं। इसके लिए संस्कृत का शब्द है योग्य अयोग्य।
योग्य, मतलब जिनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा उनको मदद करेगा बीमारियों को भगाने में। और कई ऐसे भी लोग हैं अगर वो इसको कराएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो पहले तो डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति उसके लिए योग्य है कि नहीं। स्टेप नंबर टू, इसमें फिर किया जाता है दीपन पाचन रुक्षण। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति की डाइजेशन को बढ़ाया जाता है और बॉडी में थोड़ा सा ड्राइनेस क्रिएट किया जाता है 7 दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो स्टेप है वो इस पे ही डिपेंड करता है। थर्ड स्टेप है घी पीना। जी हाँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने 3 दिनों तक लगातार घी पिया। अब कई लोगों को 3 दिन, कुछ को 5 और कुछ को 7-7 दिन भी घी पिलाना पड़ता है। घी क्यों पिलाते हैं? तो इसके दो मेन कारण है। कारण नंबर एक है कि घी पीने से उस व्यक्ति के शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जहाँ फैले हैं वो सारे टॉक्सिन्स खींच के हम एक जगह पर ले आते हैं। सपोज कि किसी को सोराइसिस है या किसी को मल्टीपल जॉइंट्स पेन होता है, वहाँ पे बहुत खुजली होती है, डैंड्रफ होता है, ठीक। तो क्या हुआ है, उसके पेट से टॉक्सिन्स निकल के पूरे शरीर में फैल गए हैं, तो उस टॉक्सिन्स को हम खींच के पेट में लाते हैं। और घी से एक और काम होता है कि जब भी वमन विरेचन, मतलब कोई भी बड़ा प्रोसीजर आयुर्वेद में करते हैं, पंचकर्म करते हैं, तो उस व्यक्ति की बॉडी में वीकनेस नहीं आती, कमजोरी नहीं आती, इसलिए घी पिलाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट डे घी पिया 100 ml, जो कि आसानी से चला गया। दूसरे दिन मैंने घी पिया 200 ml और तीसरे दिन मैंने घी पिया 350 ml। जी हाँ, एक दिन में 350 ml, और 350 ml घी पीने के बाद दिन भर उस घी का ढकार आते रहता है और आपको जब तक वो घी हजम नहीं हो जाता बस गर्म पानी पीना रहता है। तो इस तरह मैंने 3 दिन तक घृतपान किया। घृतपान मतलब घी पीने के बाद, घी तब तक पिया जाता है जब तक मल में चिकनापन ना आने लगे। और घी देख के आपको, मतलब बोलते हैं ना, नानी याद आ गई, कि घी देख के आपको ऐसे लगेगा कि भाई मत ला वरना मैं सामने ही उल्टी कर दूंगा, इतने दिनों तक घी पिलाया जाता है। तो इसमें कैसा होता है, सुबह घी होता है और शाम को नॉर्मल खाना होता है। 3 दिन 5 दिन या 7 दिन लोगों की कंडीशन या ड्राइनेस के हिसाब से डिसाइड होता है। तो 3 दिन घी पीने के बाद फिर नेक्स्ट डे था मजे वाला दिन। मजे वाला दिन इसलिए क्योंकि वमन में एक दिन पहले, वमन कर्म करने के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। वो छूट होती है कि आपको दुनिया का जितना दही, उड़द, चावल, दूध जो खाना है भर भर के खा सकते हैं। ये क्यों खाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जो कफ है वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ सके, ताकि नेक्स्ट डे जब क्लीनिंग करना है तो एक ही बार में क्लीन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं उस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और हम पहुँच गए दादर के कैलाश मंदिर और वहाँ पे 2-3 ग्लास जितनी भी लस्सी मिली वो निपटा दिया। और उसके सामने ही अयप्पा इडली वाला था, उसके सामने मिल गया उड़द वड़ा, मेंदू वड़ा, तो उड़द का वड़ा खाया। सेम ये चीज़ दोनों टाइम करनी होती है, सुबह भी और शाम भी। कल मेरा वमन कर्म है, वमन कर्म मतलब अभी वसंत ऋतु चालू हो गई है और मुंबई में ऑलमोस्ट वसंत ऋतु बहुत ही जल्दी आ जाती है। वसंत ऋतु मतलब ऐसा मौसम जब कफ बढ़ता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारी सर्दी, खांसी, स्किन डिसऑर्डर्स, कई लोगों को साइनसेस, आलस, एसिडिटी, बहुत सारी तकलीफ होती है। अब मैं वमन कर्म इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये कफ के रोग ना हो, और आयुर्वेद में हर ऋतु परिवर्तन के हिसाब से शोधन बोले गए हैं। तो मैंने आज से 3 दिन पहले 19 जनवरी से मैंने घी पीना चालू किया था। मैंने पिया था 100 ml घी 19 तारीख को, और घी पीने के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि उसको हजम होने में 6, 8 या 12 घंटे का टाइम लगता है और दिन भर आपको ढकार आती रहती है घी की, और आपको उस टाइम पे केवल गर्म पानी पीना होता है। इसके बाद जब सेकेंड डे आया, मतलब एक टाइम नॉर्मली घृतपान में एक दिन आप सुबह घी पीते हो, शाम को जब भूख लगती तो खाना खाते हो। सेकेंड डे मैंने घी लिया 200 ml। जी हाँ, 200 ml घी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये घी पीते हुए थोड़ा सा मुंह कैसे टेढ़ा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को घी एक साथ पीने में थोड़ा तकलीफ़ आती,
इसलिए उसके साथ में अगर आप नमक लेते तो वो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, आराम से आप घी पी पाते हो। और थर्ड डे जो मैंने घृत पान किया था वो 350 ml के आसपास किया था, जैसे कि आप वीडियो में दे सकते हैं कि दो बड़े घी के लिए थे। इतना सारा घी पीना क्यों? क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स है घी के कारण शरीर में पेट में एक जगह इकट्ठा हो सके, और वो फिर बाद में घी एक और फ़ायदा ये करता है कि जो शरीर का बल होता है वो कम नहीं होने देता। हमने जैसे एक पेशेंट को अभी आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे कि उनको दो बाल्टी से ज़्यादा हमने उल्टी कराया था, दो और आधा बाल्टी भर के उल्टी करने के बाद भी उनको कोई चक्कर, कमजोरी, वीकनेस, सिर दर्द, लड़खड़ाना ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो घी डबल काम करता है, एक तो टॉक्सिन्स को लेकर आता है शरीर में, और दूसरा एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और दूसरा कि जो भी आप प्रोसीजर करने वाले हो उससे आपके शरीर को थकने नहीं देता है। तो इस तरह 3 दिन घी पीने के बाद अब हम जा रहे हैं लस्सी और उड़द खाने के लिए, या उड़द का वड़ा खाने के लिए। कैलाश लस्सी दादर में ये बहुत फेमस है, और आज हम ये लस्सी खा रहे हैं भर भर के, क्योंकि कल वमन करना है। ये कफ और पित्त बढ़ाने वाली आइटम होती है और ताकत भी बढ़ाती है, वैसे ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आज हम ये दो दो ग्लास खाने वाले हैं। आप भी अगर दादर आएंगे तो ये टेस्ट करने जैसा है, क्योंकि ये बहुत फेमस है, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। आज 22 तारीख है जनवरी का, राम मंदिर उद्घाटन है तो इतनी भीड़ यहाँ दिख नहीं रही, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा पैक रहता है, आने जाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी भीड़ होती है। बहुत फेमस है ये, बहुत लंबे टाइम से, तो ये टेस्ट करने जैसा है, ये ज़रूर यहाँ पर आकर खाइए। पीने के बाद मतलब लस्सी हमने पी ली, अब हम जाएंगे उड़द वड़ा खाने, जो कि जस्ट सामने आइए, वहाँ पर जाकर हम खाएंगे मेंदू वड़ा। क्यों? क्योंकि आज फुल डे कफ बढ़ाते जाना है। मेंदू वड़ा जो कि उड़द से बनता है, और आज पूरे दिन हमें लस्सी, दही और उड़द का वड़ा ही खाना। यहाँ का वड़ा टेस्टी होता है, क्रिस्पी बनाते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ होती है, आज थोड़े से कम लोग हैं, वरना इसका भी टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। डेली हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत बार ब्लड ख़राब करता है, पर आपने से जो वात वाले हैं उनके लिए, और जब वमन कर्म है नेक्स्ट डे, तो आज के दिन फुल छूट है, जितना खाना है 1-2 किलो भी खा सकते हो तो खा सकते हो, इतनी छूट है। दूध लेने के लिए, क्योंकि वमन कर्म में वमन करने के लिए जो चीज़ें पिलाई जाती हैं उसमें कई बार काढ़े होते हैं, कई बार जूसेस होते हैं, और उसमें से एक दूध भी होता है कि अगर कई बार पेशेंट को प्रॉपर थोड़ा सा वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो, तो उसके लिए हम दूध भी पिलाते हैं। आज यहाँ से हम 4 से 5 लीटर दूध ले जाने वाले हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह स्टेज नंबर 2 चालू होता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपने घी भी पी लिया था, मस्त आपने दही उड़द खा के कफ बहुत बढ़ गया था,
तो सुबह सुबह पेशेंट को बुला के या फिर मैं वहाँ पर हमारे क्लिनिक में गया और वहाँ पे हम एक घंटे तक मालिश करते हैं, स्टीम देते हैं और उसके बाद शुरू होता है वमन कर्म। तो आप जैसे कि अभी फुटेजेस में देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह बहुत सारे अलग अलग उसमें काढ़े होते हैं, जैसे मुलेठी का काढ़ा होता है या फिर फांट होता है, शहद का पानी होता है, गन्ने का रस होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें पी पी के कंटिन्यू वमन किया जाता है। लगभग एक से सवा एक घंटे तक ये चलता है और मैंने जो वमन किया, जैसे कि आप बार बार देख रहे होंगे, इसमें लगभग एक बाल्टी के आसपास मैंने वमन किया और जितना भी मैंने कफ इकट्ठा करके रखा था साल भर से पूरे शरीर में, वो पूरे का पूरा वमन कर करके हमने निकाल दिया। तो वमन कर्म करने के बाद काढ़ा पी पी के क्लीनिंग करते हैं, वो उसके लिए डॉक्टर्स होते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई कब तक कराना है, और जब ऐसे लगता है कि नहीं अब इनका कफ निकल चुका है तो उसके बाद सेंधव जल, मतलब सेंधव जो नमक होता है, सेंधा नमक, उसके पानी को पिला के एक बार और क्लीनिंग करते हैं और फिर देते हैं धूमपान करने। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला था और बहुत सारे पेशेंट को ये धूमपान कराया जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा चिपका हुआ कफ है वो कफ निकल सके। तो ये कर्म करने के बाद तो ये हो गया स्टेज टू, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद 5 दिन तक स्टेज थ्री चालू होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग पथ्य पालन करना होता है, ज़्यादा घूमना, ज़्यादा बात करना, एसी पंखे में रहना, ये चीज़ें अवॉइड करनी होती है और मूंग का पानी, चावल का पानी, पतला खिचड़ी, इस तरह डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 पे पूरा दाल चावल भाजी रोटी खाने देते हैं। तो इस तरह से पूरे का पूरा वमन कर्म कंप्लीट होता है। तो इतनी सारी मेहनत या इतनी सारी क्लीनिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों आयुर्वेद में बोला गया है कि वमन करो वमन करो? ये करने का मेन कारण है कि हमारे आपके शरीर में हमेशा वात पित्त कफ, ये तीन दोष रहते हैं, जब जब ये बढ़ जाएंगे तब तब बीमारियां करेंगे। स्पेशली कफ और पित्त जब बढ़ेंगे तब आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ या फिर चेस्ट के ऊपर की जितनी भी आपको बीमारियां याद आती हों, चाहे फिर वो एसिडिटी हो या फिर पूरे शरीर में, सपोज़ कि यहाँ पे कफ हुआ था और वो पूरे शरीर में फैल गया है, आमवत जैसी बीमारी हो गई हो, सोरायसिस जैसी बीमारियां हो गई हो, बार बार साइनसिस होता हो, भूख ही ना लगती हो, ठीक, बाल झड़ने की तकलीफ होती हो या मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हो, ऐसे कुछ भी बीमारी हो, अगर आप दवा खा खा के बोर हो गए और आप चाहते हैं इन बीमारियों को लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर दें, तो उन चीज़ों के लिए शोधन कराया जाता है। और इसको करने का फ़ायदा यह है कि अगर आप ऐसे बॉडी की क्लीनिंग करते जाते हैं साल में एक बार, तो आपको कफ पित्त रिलेटेड बीमारियां कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अब कुछ सवाल उठेंगे, सबसे पहले कि आपने क्यों कराया, आप खुद ही बीमार रहते हो क्या? तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में जो पंचकर्म है वो दो कंडीशन पे बोला है, एक तो बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए और एक जो व्यक्ति स्वस्थ है जिसको कोई बीमारी नहीं है पर फिर भी आगे उसे बीमारियां ना आए और उसका शरीर साफ सुथरा रहे, इसलिए हर मौसम के हिसाब से अलग अलग शोधन या फिर क्लीनिंग बोली है। तो ठंडियों के बाद जो वसंत ऋतु आती है उसमें वमन बोला है, इसलिए मैंने वमन कर्म किया। लास्ट ईयर भी लगभग मार्च के महीने में मैंने सायन का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर वमन कर्म किया था। सवाल नंबर दो, कौन कौन इसे करा सकता है? तो जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सब करा सकते हैं, स्पेशली कफ पित्त रिलेटेड जो भी बीमारी या सीने के ऊपर की जो बीमारियां हैं उसमें तो खास करके लोग इसे करा सकते हैं, वो आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे वो आपको चेक करके बता पाएंगे। सवाल नंबर तीन, इसमें कितना खर्चा आता है? तो हर एक सेंटर में अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं, हमारे क्लिनिक में जो खर्चा है वो 18 से 20 हज़ार के आसपास तक का आता है। सवाल नंबर चार, कि इसमें कितने दिन लगते हैं? तो वमन कर्म करने में 12 दिन का टाइम लगता है जिसमें लगभग 3 से 5 दिन के आसपास आप घी पीते हो, फिर मालिश होती है, वमन किया जाता है और उसके बाद 5 दिन रेस्ट होता है। फिर भी अगर कोई ऐसे लोग है कि हमें जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, काम से छुट्टी नहीं मिलती, तो एटलीस्ट 4 दिन का तो आपको जॉब से छुट्टी लेके ये कर्म आपको कराना पड़ेगा। लास्ट सवाल, इसे कहाँ करा सकते हैं और कब करा सकते हैं? तो वमन कर्म तो साल में आप कभी भी करा सकते हैं, बट अगर आप स्वस्थ व्यक्ति है, बीमार लोग कभी भी करा सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो जब वसंत ऋतु, मतलब जब ठंडियाँ कम होने लगेगी और हीट बढ़ेगी, सर्दी खांसी कफ ऐसी तकलीफें चालू हो जाएगी, स्किन की तकलीफें चालू हो जाएगी, तब आप इसे करा सकते हैं। कहाँ करा सकते हैं? तो आपके नज़दीक में कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा, आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर होगा, उन जगहों पर जाके आप वमन कर्म करा सकते हो। तो आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे कमाल के ट्रीटमेंट बोले हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो होता है पंचकर्म, और उसमें भी एक वमन कर्म है जो कि सीने के ऊपर, फिर वो चाहे आपका हार्ट का एरिया हो, गला हो, कान नाक आँख मुंह बाल, कुछ भी एरिए की तकलीफ़ हो उसको जड़ से ठीक करता है। ये कर्म हमने, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो,
बहुत सारे पेशेंट्स को कराए, स्पेशली जिनको भूख ना लगने की तकलीफ़ है, और भूख ना लगने के कारण जिनको जॉइंट्स पेन होता है, वजन कम होने लग गया है, पेट खराब होने के कारण जिनकी स्किन खराब हो गई है, या पेट खराब होने के कारण उनकी बीमारियां बॉडी के और कोई जगह पर फैल गई है, तो उन सारे लोगों का हम वमन कराते रहते हैं और उनकी बॉडी आयुर्वेद के हेल्प से क्लीन करके उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो ये तो था वमन कर्म जो कि मैंने किया लाइफ में सेकेंड टाइम, और एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आप भी अगर हो तो वमन कर्म कराइए, ऑब्वियसली अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के, और अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए कि आयुर्वेद की ये क्लीनिंग प्रोसीजर करके आपको कैसे लगा। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं जो कि आयुर्वेद का नाम सुन के डरते हैं या फिर सोचते हैं यार ये इतनी उल्टी क्यों कराते और उल्टी करा के वीडियो क्यों शेयर करते हैं। और अगर आप खुद भी पर्सनली वमन कर्म कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये टेक्निक कितने फायदेमंद है, तो नीचे आपको नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे सेंटर पर ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है या इसकी और कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर वो डिटेल्स मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।